हमने उम्रा कर लिया है, हमारी एक टांग पर फोड़ा था वह फट गया है, उससे खून निकलता है, उसके ऊपर पट्टी बांध कर उम्रा कर सकते हैं? हाँ जी, अब पट्टी बांध के उम्रा कर सकते हैं। हम मोटरसाइकिल और कार उधार पर देते हैं, लोग वापस नहीं करते तो हम कार्रवाई करते हैं, फिर जो खर्च होता है पुलिस का और वकील, वो आपको लेना जायज़ है? जब वो पैसे नहीं अदा कर रहे तो आपने लेने तो हैं ना। अनीला की औलाद नहीं है, अल्लाह उसको औलाद ता फरमाए। मेरे मामू को जिन्नात का असर है, तो आप ऐसा करें कि टेलीफोन में सूरतुल बकरा फीड कर लें और वो हेडफोन लगा के सुना करें। मोहम्मद याकूब गोजरा वाला, मेरा चचेजाद भाई बीमार है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। भाई रोज़ एक ही आदमी एक ही सवाल पूछे तो अच्छी बात तो नहीं है, एक दफ़ा बता दिया बस उसको दिमाग में रखो। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं और बच्चे नहीं हैं, पानी की थैलियाँ हैं, एक बार तो ऑपरेशन करवाया, बहरहाल फिर बन गई, अब डॉक्टर दोबारा ऑपरेशन करना चाहते हैं। अल्लाह आपको शिफा दे, और अगर ऑपरेशन करना पड़े तो अल्लाह उसको कामयाब करे। मैं इंडिया से आया हूँ, मेरे दामाद को सर में कुछ गठरी की तकलीफ है, डॉक्टर ऑपरेशन कराएं, अल्लाह शिफा देंगे। मैं मोहम्मद बिलाल मर्दान से, अपने दो बेटों मोहम्मद अब्दुल्ला और मोहम्मद सैफुल्ला की नेक सीरत, अल्लाह उन सबको साले बनाए। चौधरी साहिब अब्दुल बासित और मोहम्मद अब्दुल बनीर, अल्लाह उनको सियत दे आफियत दे, बाकी उम्र नहीं बढ़ सकती, जो मुकर्रर है वही रहेगी। बिल्कुल अजन मुसम्मा, दुआ करते रहो या ना करते रहो। मेरा बेटा मोहम्मद हसन, उसके दिमाग का मसला है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। अलहम कामरान पेशावर से, अल्लाह उनके रिज़्क में बरकत दे। हजरत हमारे उस्ताद हजरत मौलाना उवैस अहमद के लिए कामयाबी के लिए अल्लाह कामयाब फरमाए। हरमैन शरीफैन में मौत आने की दुआ कर सकता है? हाँ कर सकता है। हजरत उमर ने नहीं की, अल्लाहुम्मा रज़ुकनी शहादतन फी सबीलिक व दफन फी बलद रसूलिक, तो कर सकते हैं। मैं वापस आया उमरा करने के बाद, एहराम बदलने वाशरूम गया, एहराम उतार दिया, जब याद आया कि बाल कटवाने भूल गया, कोई हर्ज नहीं, अगर कपड़े उतारे बाद में बाल कटवा लिए। कज़ा नमाजों के लिए, जैसे कज़ा हुई उसी तरह पढ़ते रहें, सफ़र की कज़ा है तो सफ़र वाली पढ़ें, अगर हजर की कज़ा है तो हजर वाली पढ़ें। मैं बशीर अहमद जम्मू कश्मीर से हूँ, 20 सालों से डिप्रेशन में मुब्तला हूँ। मेरा भाई डिप्रेशन का कोई इलाज नहीं, माँ सिवा इसके कि अल्लाह बि ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह का जिक्र करें कसरत से। कुछ लोग एहराम की हालत में जूता पहनते हैं, अगर जूता पाक है तो जायज़ है। कुछ लोग होटलों के बाहर इमाम काबा की आवाज़ सुनकर नमाज पढ़ते हैं, अगर सफ़े नज़र नहीं आती तो नमाज नहीं होगी। मेरा नाम उवैस है, मुझसे गुनाह भी बहुत होता है, और मैं जब कोई दीन का काम या बात सुन रहा होता हूँ तो मेरा रोना भी नहीं रुकता, ये रोने से इंशाअल्लाह सब गुनाह माफ हो जाएंगे। रोना तो बहुत बड़ी नेमत है, हत्ता के एक सही हदीस में है कि क़यामत में अल्लाह फरमाएंगे कि जिस बंदे का मेरे डर से आँख से एक आंसू भी निकला है थोड़ा सा, उसको भी जन्नत में ले जाओ। तवाफ़ के बाद कुछ देर आराम कर सकते हैं, बाद में सफ़ा दौड़े हाँ कर सकते हैं।
اسلام کا معنی ہوتا ہے استسلام، اور ایمان کا معنی ہوتا ہے تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و امر بالارکان. بالکل عمرہ کرتے وقت غلاف کعبہ کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کیونکہ اثر لگا ہوتا ہے. نفل طواف عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں. طواف کرنے کے بعد صفا کے لیے جا رہی تھی کہ سیڑھیوں پہ گر گئی اور میرے پاؤں سے خون بھی نکلا، کوئی دم نہیں. خون تو آپ کا نکلا ہے، پھر سزا بھی شریعت آپ کو دے. میرے والد زندہ ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں؟ کر سکتے ہیں. ہمارے ایک بھائی نے عمرہ کیا، حل کرایا، دو تین دن کے بعد پھر عمرہ کیا تھا، حل نہیں کرایا، دم پڑ گئی. جتنا دفعہ بھی عمرہ کرو گے، بال نہ بھی ہوں تو اس طرح پھرانا ہوگا. محتم مظہر العلوم ضلع سوات بنگورا، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حمید اللہ دہلوی صاحب کا انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند کرتے. عمرہ کا طواف کرتے ہوئے ایک سینہ کعبے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، اتفاقاً ہو جائے وہ الگ بات ہے. احرام کی حالت میں خانہ کعبہ کا بوسہ نہیں لے سکتے. طواف کے دوران اگر حجر اسود سے آگے نکل جائے پھر ہاتھ کھڑا رہو، کوئی حرج نہیں. بہرحال آپ تبلیغ کے لیے جائیں کسی چیز کے لیے، اگر آپ کا سفر 40 میل سے زیادہ نہیں بنتا تو آپ مسافر نہیں ہیں. کم سے کم 48 میل سفر ہے. طواف میں دایاں کندھا ڈھانپنا ضروری ہے جو عمرے کے بعد کرتے ہیں. ہاں عمرے کے بعد، طواف کے بعد ڈھانپ سکتے ہیں. ایک آدمی احرام نہیں باندھ سکا اور یہاں پہنچ گیا، اب عمرہ بھی کرے اور دم بھی دے. اپنے روم سے احرام باندھ کے مسجد عائشہ جائیں اور وہاں جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کریں، وہ جائز ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اهلك اعداءك اعداء الدين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين.